कैसे आप सब लोग, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, उसका नाम था ग्लैमर। और उस टाइम एक सपना देखा था, एक सपना सोचा था कि शायद कभी मैं एक अपनी लाइफ में एक लग्जरी कार खरीदूंगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी, जी जान लगा दी, मेहनत करता गया। बीच में बड़ी सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों को दूर करता गया और बस एक ही चीज के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए बस काम करता रहा। और आज दोस्तों वो सपना पूरा हो गया है। आई परचेज माई ड्रीम कार। बस मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, आपको पूरी जी जान लगानी पड़ती है उन सपनों को अचीव करने के लिए। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले नए साल में आपने जो भी सपना देखा है, आप उसे जरूर पूरा करेंगे, जरूर से जरूर। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप सीए कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, आप पूरी जी जान लगा दोगे उसे क्लियर करने के लिए। और जो भी आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं, आप उन सपनों को जरूर अचीव करोगे। मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरी सारी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन सी ड्रीम कार थी जो मैंने सपना कई साल पहले देखा था, सोचा था, वो कौन सा सपना था और कौन सी कार थी? तो दोस्तों, वो अब आप लोगों के लिए डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। जो मेरी ड्रीम कार थी वो ये है, एंड दिस इज ऑडी A4। तो ये मेरी ड्रीम कार थी और ये मेरा एक सपना था जो मैंने आज पूरा कर लिया। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू इस सपने को, इस जर्नी को पूरा करने के लिए। आप सब लोगों ने जो प्यार दिया, जो इतनी मोहब्बत दी, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।